लोग अयोध्या का करते हैं क्योंकि अयोध्या में भव्य श्रीराम का जो मंदिर है वो निर्माण प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी बीच तमाम जो अपडेट्स हैं जानकारी आप सभी दर्शकों को पहुंचा दे क्योंकि सियासत भी भरपूर देखने को मिल रही है। सोनिया गांधी नेता कांग्रेस देखिए नेता ठुकरा दिया है, इसी पर सवाल भी उठ रहे हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं जाने वाले हैं, इन्होंने भी नेता को ठुकरा दिया है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद ये भी नहीं जाएंगे, यानी पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी और नेता को अस्वीकार कर दिया गया है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने अपना इवेंट बना दिया है जबकि राम विरोधी है कांग्रेस, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का हमलावर है। उनके तमाम पार्टी प्रवक्ता वो मोर्चा संभाल रखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि बहिष्कार कांग्रेस की आदत है, पुरानी आदत है, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है, ये कहना है कांग्रेस का, आस्था अपना विषय है, चुनावी लाभ की कोशिश है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को कट्टरपंथी राजनीति पसंद है, इसलिए ये नेता ठुकरा दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। लेकिन राम को पसंद नहीं करती कांग्रेस, ये कहना है गिरिराज सिंह का और तमाम जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उनका ये आरोप है। और इसी के साथ स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया है, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कहते हैं कि राम का निमंत्रण ठुकराना सनातन विरोध वाली सोच है, उसी को दर्शाया एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने। मौका मिले तो कांग्रेस राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना देगी, ये कहना है राकेश सिन्हा का। अयोध्या जाना ना जाना निजी विषय है, ये कहना है अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी राम मंदिर से चुनाव पार करना चाहते हैं इसलिए ये इवेंट बना दिया गया है। वहीं मंदिर जाना नहीं जाना आस्था का विषय है, ये कहना है इमरान प्रतापगढ़ी का। और तमाम जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आप सबको हम सुनवाते हैं, सुनिए सरा। जब जब भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। और कांग्रेस आज हालत क्या है, भगवान राम को काल्पनिक बताती हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताती हैं, भगवान राम के रामलला की जन्मभूमि को जो केस इतने वर्षों तक चला उसके लिए अपने वकील वहां तक कांग्रेस के समर्थकों ने खड़े कर दिए ताकि रामलला का वो केस ना जीत पाए, भव्य राम मंदिर ना बन पाए। कांग्रेस ने वो हर संभव प्रयास किया कि वापस बाबरी मस्जिद बन जाए, ऐसा हर वो काम किया जब राम को नकारने का हो, राम को काल्पनिक बताने का हो, ये कांग्रेस की सोच है। ये इस बात से साफ जाहिर हो रहा है जब इस ऐतिहासिक मौके पर जब पूरी दुनिया भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का स्वागत कर रही है और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उसमें शामिल हो रहा है, कोई अयोध्या पहुंचकर कोई अपने घर से, उस अवसर पर राम मंदिर के निमंत्रण को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर। एक कहावत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनैतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। कि एक बार श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जब इनवाइट किया था तो उन्हें सद्बुद्धि आई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिष्कार करने के लिए आ जाते। चारों शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे, धर्माचार्य तो वही हैं। अगर मोदी जी धर्माचार्य हैं और योगी जी हैं तो बताएं, सबसे पहले स्पष्ट यह होना चाहिए कि धर्माचार्य है कौन। जब धर्माचार्य करान भी नहीं रहे हैं बल्कि बहिष्कार कर रहे हैं तो ऐसे में तो कांग्रेस को जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। कांग्रेस ने थोड़ी कहा है कि धार्मिक कृत्य नहीं है, ये तो धर्म साधु संत कह रहे हैं और चारों धाम के शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये धार्मिक नहीं है, बीजेपी आरएसएस का है। तो जब वो कहें तो हम कौन होते हैं। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे राम मंदिर संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का, उनका क्या अधिकार है राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। अगर राम मंदिर संप्रदाय को देना चाहते हो, हम सब चाहते हैं दे जाए,
लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का, वहां की पूजा भी निर्मोया खड़ा करता था, उसका अधिकार क्यों छीना गया? चौपाई है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो सभी अच्छे अच्छे अवसर संसार में उपलब्ध हैं, परंतु कुछ लोग जो अपने कर्म से हीन होते हैं उन्हें प्राप्त नहीं होता, इसलिए हर ऐतिहासिक अवसर पर भागीदार बनने से कांग्रेस वंचित रहती है और उसका विरोधी के रूप में खड़ी हो जाती है। देखिए, यह आयोजन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है और भगवान के द्वार पर अपना पराया किसको नजर आता है? भगवान के द्वार पर इस दल और उस दल का कौन नजर आता है? परंतु हमने तो कभी नहीं कहा कि श्री राम जन्मभूमि के विरोध में आपके नेता वकील का चोला ओढ़कर खड़े होते थे। इसलिए इसका किसी संगठन विचार से कोई मतलब नहीं, यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के श्रेष्ठतम मूल्यों का प्रतीक है। कुछ राजनीतिक बयानबाजी आपने सुनी, लेकिन एक अलग तरह की राजनीति चल रही है और ये राजनीति चल रही है अखिलेश यादव और विश्व हिंदू परिषद के बीच में। अगर ये व्यक्तिगत विषय होता है और व्यक्तिगत विषय पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते किसी के बारे में। मैं बहुत सारे आरोपों का उत्तर इस समय नहीं देना चाहता। ट्रस्ट ने तय किया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वैसे ही विपक्ष के नेता को बुलाना चाहिए। हमने केवल भाजपा अध्यक्ष को नहीं बुलाया, उसी स्तर पर उसी सम्मान से हमने सब बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को बुलाया है और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन के नाते सोनिया जी को बुलाया है। अगर राजनीति करनी होती तो इन सब नेताओं को निमंत्रण क्यों देते? सबको बुलाने का मतलब ये है कि अब विगत को भूल करके भविष्य के लिए सब मिल करके इस मंदिर को आगे बढ़ाएं, ओन करें। जो नहीं आना चाहते उनकी इच्छा है, जो आएंगे उनका स्वागत करेंगे। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की ठनी नहीं बन रही है? किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की ठनी नहीं बन रही है? किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की,
कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।